सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। दिल्ली च ऑक्सीजन की मंग उत्ते सुप्रीम कोर्ट वल्लों नियुक्त एक कमेटी की रिपोर्ट नाल विवाद तो बाद अगे वधण की अपील करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर किसी नाल मिल के काम करन की अपील की है तां जो कोरोना की अगली लहर च ऑक्सीजन की किल्लत ना होवे। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आपस च लड़ांगे तां कोरोना वैसे जित जाएगा। एक दिन पहला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दरमियान उस रिपोर्ट को लेकर जुबानी जंग हुई जिस विच कहा गया कि कोरोना की दूजी लहर दौरान दिल्ली च ऑक्सीजन की मंग चार गुणा वध दसी गई है। कोविड 19 डेल्टा वेरियंट 85 देशों तक पहुँच चुके हैं। विश्व सेहत संगठन के मुखी ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि डेल्टा वेरियंट हुण तक का सब तो खतरनाक वेरियंट है। उन्होंने चेतावनी दी कि गरीब देशों वैक्सीन की घाट डेल्टा वेरियंट के प्रसार च सहायक सिद्ध हो रही है। WHO मुखी ने कहा है कि ग्लोबल पद्धर उत्ते अजे भी डेल्टा वेरियंट को लेकर चिंता ज्यादा है तो WHO भी इस लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा है कि इस तो बचा लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 26 जनवरी लाल किले उत्ते हुई हिंसा के मामले च दोषी लखा सिधाणा की गिरफ्तारी उत्ते अगले आदेश तक रोक ला दी है। एडिशनल सैशन जज नीलोफर आबिदा परवीन ने लखा की पेशगी जमानत पटीशन उत्ते 3 जुलाई में सुनवाई करने का आदेश दिता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 3 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिता है। सुनवाई दौरान लखा सिधाणा वालों पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि उसका लाल किले च हुई हिंसा नाल कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने भी स्वीकार किया कि लखा ने 26 जनवरी लाल किले च प्रवेश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और गैर कानूनी तस्करी विरुद्ध सरकार की वचनबद्धता जाहिर करते हुए शनिवार को कहा है कि नशा अपने नाल हनेरा विनाश और तबाही लेके आता है। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थ और गैर कानूनी तस्करी कौमांतरी विरोधी दिवस मौके अपने ट्वीट च संदेश दिता है कि मैं उन्होंने सारे लोगों की शलाघा करदा जो साढ़े समाज तो नशीले पदार्थों के खतरे को मिटाने लई जमीनी पद्धर उत्ते काम कर रहे हैं। उन्हें कहा कि जीवन को बचाने लिए की गई अजि हर कोशिश महत्वपूर्ण है। नशा अपने नाल हनेरा विनाश और तबाही लेके आता है। किसान जथेबंदियों वालों अज दिल्ली दी सरहदों उत्ते खेती कानूनों के विरोध में डटे होने के 7 महीने पूरे होने उत्ते देश भर में राज्यपाल को मंग पत्र दिए गए। इस तहत किसानों ने चंडीगढ़ वाल रोस मार्च किया। इस दौरान किसानों वालों जिथे चंडीगढ़ पुलिस के बैरीकेड तोड़े गए उत्थे ही चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर उत्ते माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बनया रहा। बैरीकेड तोड़ के किसान चंडीगढ़ में दाखिल हुए थे राजभवन वाल कूच किया। इस दौरान पुलिस वालों किसानों उत्ते पानी दी वाचना भी छड़ियां गई। किसानों ने वाटर कैनन की पाइप तोड़ दी अगे वधे गए। जबरदस्त हंगामे तो बाद किसान जथेबंदियों वालों राजपाल नूं राष्ट्रपति के नाम मंग पत्र दिता गया। इस मौके संयुक्त किसान मोर्चा के वड्डे किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों नूं अपील करते हुए कहा कि मंग पत्र दिता गया तो हुण किसान शांतमय तरीके घरों परत जाण जिस तों बाद किसान घरों परत गए। संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल उत्ते खेती कानून रद्द करवाने लई दिल्ली दे बुरुहां उत्ते बैठे किसानों नूं 7 महीने पूरे हो गए ने जिस उत्ते हुशियारपुर विच किसानों ने रोस प्रदर्शन किया ते मोदी सरकार का पुतला फूकिया। इस मौके किसान आगुआं दा कहना सी कि सुती पई सरकार नूं जगाउण लई वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे जदों तक काले कानून रद्द नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान संघ के आगू राकेश टिकैत की गिरफ्तारी दी खबरों नूं फर्जी दस्सिया। पुलिस ने दस्सिया कि इस तरह दीआं फर्जी खबरां फैलाउण वालिआं विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस डिप्टी कमिश्नर प्रियंका कश्यप ने ट्वीट किया फर्जी खबर। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नाल जुड़ियां खबरां झूठियां ने। कृपा करके अजिहीआं फर्जी खबरां जां ट्वीट तों दूर रहो। इस तरह दीआं झूठियां खबरां ट्वीट फैलाउण वालिआं विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही SIT वालों अज अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की गई। यह पुछगिछ करीब 4 घंटे तक चली तो सुखबीर बादल के नाल वड्डी गिणती च अकाली दल के समर्थक इकट्ठे हो गए। वह उन्ना चिर उत्थे हैडक्वार्टर के बाहर ही रहे। दसनयोग है कि इस तो पहला SIT ने मंगलवार को सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो भी पुछगिछ की। SIT सैक्टर 4 स्थित बादल के सरकारी फ्लैट पहुंची सी ते तकरीबन 2.5 घंटे तक उन्होंने प्रकाश सिंह बादल तो पुछगिछ की।
चंडीगढ़ च प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रोमणी अकाली दल के आगू बलविंदर सिंह भूंदड़ का कहना है कि असी एस आई टी का सहयोग कर रहे हैं। इस दे नाल ही उन्हां दा कहना है कि अजिहा पहली बार होया कि किसी घटना में सीएम या गृह मंत्री नूं बुलाया गया होवे। इस दे नाल ही उन्होंने जाखड़ वालों दिते बयान उत्ते भी सवाल खड़े किए। उन्हां दा कहना है कि कांग्रेस अपने वादे भुल चुकी है ते हुण सिर्फ सियासत कर रही है। जो श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब नूं सिट ने इनकारी वास्ते बुलाया सी, उहदे वास्ते पार्टी वालों जो सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, कोर कमेटी के मैंबर है, सारे सीनियर मैंबर है, असी सारे जो कह रहे हैं, असी ये जो बहुत दुखदाई घटना हुई है, असी सिख धर्म नूं मनण वाले हैं, गुरु तो डरन वाले हैं, सानू दुख है इस तरह कि बहुत बड़ी घटना हुई। और दूसरा यह है कि जिहड़ा साढ़े को 6 महीने का समा सी, उस वे साथों कह के कांग्रेस ने ते होर सारिया पार्टियां ने सीबीआई में दिखाता सी केस, जितना सानू समा मिले असी जतन किया, लेकिन हुण इन्हां नूं 4 साल हो गए ने। एक सिट पहला बनी, दूजी सिट हाई कोर्ट ने फिर बनाती है ना, पहली सिट जो उन्होंने किया उहदा रिजल्ट हाई कोर्ट के जज ने जो फैसला दिता तुसीं सारे देख चुके हो, पढ़ चुके हो। दूसरी सिट जो आ गई है, असी उहदा सहयोग भी बड़े बाल साहब ने, प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल जी ने पार्टी वालों पूरा असी सहयोग दिता। हुण दी सिट का भी असी पूरा सहयोग दे रहे हैं ते देवांगे, लेकिन सानू दुख है कि जो सिट है कदे सुनिया कि कोई लॉ एंड आर्डर का मसला छोटा जा होवे, किते गोली चले और गोली च उत्थे डीसी उत्थे मजिस्ट्रेट मौके ते होवे, एसपी मौके ते होवे, उहदी बजाए मुख्यमंत्री नूं स्टेट दे नूं बुला लिया जावे। कोई हिंदुस्तान दी अज तक 47 तो बाद कोई घटना है जां दुनिया दी कोई घटना है, होम मिनिस्टर नूं सद्या जावे। इस करके जो सारा कुछ हो रहा है वह तुसीं देख रहे हो। मीडिया जिहड़ा है हिंदुस्तान की जिहड़ी है डेमोक्रेसी का चौथा अंग है। कई बार ठीक है कि कई गल्लां थोनू ही लिखनियां पैंदियां, लेकिन मैं प्यार नाल कहना चाहुंदा कि तुसीं इस नूं पूरा तरीके नाल सोच के करो कि कर की रहे है, कि ये जो बेअदबी की घटना है उहदी जांच कर रहे हैं, उहदी पड़ताल कर रहे हैं, उहनूं किसे पासे लिजाणा चाहुंदे आ, कि पोलीटिकल सारा बंडेटा कर रहे हैं। बेअदबी, नशा ते रेत माफिया खिलाफ कैप्टन सरकार नूं घेरन वाले साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर उत्ते एक बार फिर वड्डा धमाका कीता। सिद्धू ने पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता उत्ते सवाल चुकदे होए पुछिया कि तुसीं विक्रम मजीठिया दा की कीता। सिद्धू ने कहा कि उन्हां दा की बणिया जिन्हां दी राजनीतिक शह उत्ते पंजाब च कैमिकल नशा बनाउण दी फैक्टरी लगी, जिन्हां ने लाल बत्ती वालियां गड्डियां च नशा विकाया। डीजीपी नूं सवाल करदे होए सिद्धू ने कहा कि माणयोग उच्च अदालत वालों सरकार नूं भेजी गई स्पैशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दर्ज वड्डे मगरमच्छों उपर की कार्रवाई की गई है, तो वह साडे उत्ते केस पाउण दीआं धमकियां दे रहा, चिट्टे दे तस्कर मचाउण शोर, ते आखिर किन्ना टाइम होर। कोरोना महामारी के समय पिछले 15 महीनों तो पंजाब भर में ड्यूटी निभा रहे 4336 वलंटियर ने पंजाब पुलिस के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के सेवा निभाई। उस संबंधी अज अमृतसर च विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका नूं मंग पत्र देंदिआं उन्हां तरस के आधार उत्ते नौकरी की मंग की है, जिसके चलते कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने उन्हें भरोसा दिता कि उन्हां दी मंग उत्ते जल्द विचार किया जाएगा। चीफ खालसा दीवान के मुख दफ्तर विखे एजुकेशनल कमेटी के ऑनरेरी सकत्तर एडिशनल ऑनरेरी सकत्तर दीआं खाली हुई असामियां पुर करन हित एजुकेशनल कमेटी मैंबरां की एकत्रता की गई, जिस विच कमेटी मैंबरां की प्रवानगी उपरंत सर्वसम्मति नाल उगे अकादमिक सिख विद्वान डॉक्टर सरबजीत सिंह छीना नूं एजुकेशनल कमेटी के ऑनरेरी सकत्तर अते अकादमिक खेत्र के माहर सरदार संतोख सिंह सेठी नूं एडिशनल ऑनरेरी सकत्तर दे अहुदे ते नियुक्त किया गया। इस मौके चीफ खालसा दीवान प्रबंधकों वालों दो आगुओं नूं जिम्मेवारियां सिरोपाओ पा के सौंपी गईं। सत श्री अकाल चैरिटेबल ट्रस्ट कैनेडा वालों कोरोना काल च लोगों की मदद की गई है। इसे दौरान कोविड मरीजों लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की भी सेवा की जा रही है। ट्रस्ट के आगू पूरन सिंह ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि उन्होंने संस्था वालों पहला किसान अंदोलन च बदामा के लंगरों की सेवा की गई सी, हुण उन्होंने वालों
बिना किसी भेदभाव तो कोविड पीड़ितों की सेवा की जा रही है। पिछले साल नवंबर दिसंबर जो ये किसान भरा साढ़े अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे सन तो उस वेले देखा कि भी खाली पंजाब के किसान नहीं देखा देखी बिहार गुजरात सारे पासों किसान उन्होंने भरा उन्होंने मदद ले अगे आए। उस वेले जे साडे हिंदुस्तानी भरा कुछ किसानों के बच्चे पंजाब तो जिहड़े कि अमरीका जा वसे हैं और खेतीबाड़ी करते हैं बहु बदामा दी उन्होंने दिल च कोई दर्द आया तो उन्होंने कहा कि साढ़े बुजुर्ग जिहड़े कि बॉर्डर के उत्ते अपने हकों की लड़ाई लड़न रही ठंड च मर रहे हैं उन्हों की कुछ मदद की जाए तो उन्होंने काफ़ी वड्डी मात्रा में बदामा की सेवा भेजी जिहड़ी कि असी उत्थे साढ़े ट्रस्ट के थ्रू सेवा निभाई गई। लेकिन लोगों वालों ये कहना यही आया कि लोग कितने मूंगफली नहीं वंडते तो तुम बदामा की सेवा कर रहे हो और मुठ्ठा भर भर के वंड रहे हो ये आतंकवादियों का लंगर है या खालिस्तानिया का है ये फंड कितों आ रहा है तो दास ये कहना चाहता है तो असी वो गल दिल नहीं लगाई क्योंकि साढ़े 84 तो भी साढ़े नाल चीज़ा बीत चुकी हैं कि सानू हमेशा ही दबाण की कोशिश की है लेकिन सेवा जिहड़ी है वह गुरु महाराज ने साडी चोली च पाई है तो साडा फर्ज बनता असी सेवा करिए। इस तरह ही फिर हुण जिहड़ा कि करोना काल दे विचकार तकलीफां आईयां हन उही साडे भरा उहनां दे दिल फिर दर्ज आ गया और वह भुलदे होए कि साडे ते आतंकवादी ते खालिस्तानी ते जिहड़े स्टैंपां मारियां गईयां सन उहनूं भुल भुला के मानस की जात सब एके पहचानवो दे हिसाब से फिर उही सेवा अगे आए जिहड़े कि इत्थों पिंडां नूं जा रहे सन उहनां वास्ते स्टेशनां ते लंगर लगाए हुण फिर लोड़ पई ते जिहड़े गुजर गए हन इस करोना काल के विचकार जिन्हां दे परिवार की कोई इनकम नहीं उन्हां दी मदद की गई उन्हां दे घर राशन पहुँचाया गया और जिते भी सानू एक कंसरवेटर की लोड़ पई ऑक्सीजन की उत्थे साडे होर एक ट्रस्टी सरदार इंद्रजीत सिंह जी माटा जिन्हां दे साथी प्रदेशों जा वसे हैं और उच्चे अहुदिया ते हैं उन्हां दे दिल च भी साडे हिंदुस्तानी भरावां लई इह दर्द जागिया ते उन्हां ने काफ़ी मशीनां सरदार इंद्रजीत सिंह माटा के थ्रू इतने हिंदुस्तान भेजिया जिड़िया कि साढ़े ट्रस्ट सत श्रीकाल चैरिटेबल ट्रस्ट वालों जिस तरह कि जलंधर मिलटरी होस्पिटल साढ़े एक फ्रेंड सरदार करनल सरदार सतवंत सिंह जी चहल के थ्रू रोटरी क्लब धूरी होर कई थावों पर पंजाब से ये ऑक्सीजन कंसेटर लाए गए बॉम्बे के विचकार जगह जगह पर भी लाए गए गुरद्वारा साहबान के विचकार डिस्पेंसरियों के विचकार स्लम के विचकार तो होर भी जिस तरह लोड़ पेगी गुरु महाराज आप जिस तरह सेवा लेगा असी यह सेवा निभाते रहेंगे। अमृतसर का दिव्या ज्योति जागृति संस्थान कोरोना महामारी तो लोगों को बचाने लिए वैक्सीन लगवाने लिए अगे आया है जिसके चलते उन्होंने वालों सरकार के सेहत विभाग के सहयोग नाल कोविड वैक्सीन का कैंप लगा के 700 के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन करदिया 200 तो वध लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई जिसके चलदा अगह भी अजे कैंप ला के लोगों को इस महामारी तो निजात दवाने में सहयोग देने की गल भी आखी गई है। पेट्रोल दीआं वधदीआं कीमतां तो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। नंगल च पेट्रोल की कीमत ने सैकड़ा मार दिता है। इत्थे पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 19 पैसे ते डीजल 91 रुपए 59 पैसे तक पहुँच गया है। लोगों ने सरकार खिलाफ गुस्से का इजहार करदिआं कहा कि मोदी सरकार महंगाई वधा के लोगों नूं तंग परेशान कर रही है। गुरदासपुर विच भी आम लोगों ने तेल कीमतों हो रहे वाधे नूं लैके रोस प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की अमृतसर जम्मू कश्मीर हाईवे जम किया। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार वालों तेल दी कीमतों च दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है जिस कारण आम लोग तंग हो रहे हैं। अंतरराष्ट्री नशा विरोधी दिवस मौके पुलिस लाइन विखे SSP पटियाला डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग की अगवाई में नशा विरोधी रैली खेडी गई। रैली दौरान संदीप कुमार गर्ग ने खुद साइकिल चला के नशे छड्डन ते नशियां तो दूर रहने का नौजवानों को सद्दा दिता। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग ने कहा कि नशा समाज को खोखला कर दिता है और नशा वह बीमारी है जिसका खात्मा होना समय की वड्डी लोड़ है। गुरदासपुर च पुलिस ने नशा विरोधी दिवस मौके लोगों को जागरूक किया। इस मौके सीनियर पुलिस अधिकारी ने लोगों को कहा कि नशाखोरी को खत्म करके चंगे समाज की सिरजना की जा सकती है। इस मौके उन्होंने लोगों को नशे के माड़े प्रभावों बारे भी दसिया। अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मौके अमृतसर ट्रैफिक पुलिस सांझ केंद्र स्टाफ और NCC कैडटों के सहयोग एक जागरूकता मार्च
अमृतसर के चेहरटा रोड तो पुलिस लाइन तक कढ़ा गया, जिस विच एनसीसी कैडटां वल्लों हत्थां विच बैनर फड़ के नशा विरोधी स्लोगन लिख के लोगों नू नशियां तो बचण की अपील की गई तां जो देश के भविख नू नशियां दे कोहड़ तो दूर रखा जा सके। अमृतसर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मौके पंजाब के तकरीबन 10 जिलों में जब्त किए नशियां नू नष्ट कर दिता। इस मौके पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल ने लोगों नू नशियां तो दूर रहने की अपील करदे कहा कि अदालत के आदेश तो बाद पुलिस वालों अमृतसर विखे नशा नष्ट किया गया। जिला फतेहगढ़ साहब के पिंड बरवाली का 31 साल नौजवान इटली में जबरदस्त सड़क हादसे का शिकार हो गया सी ते वो 8 महीने तो हस्पताल में कोमा में चला गया। लड़के के पिता सबका फौजी और बुजुर्ग माता ने अपने लड़के को मिलने की भारत इटली की सरकारों तो गुहार लगाई है। इलाज अधीन शरणजीत सिंह के पिता ने कहा कि उन्हें अपने लड़के से नूह नूं करजा चुक के इटली भेजा, करजा तक ही उतरना सी सगों बिपता उन्होंने सिर आ लगी। लड़के की अंगहीण माता ने भरे मन नाल कहा कि वह एक बार अपने पुत्र नूं धक्कना चाहती है। रायकोट शहर के बाहर रायकोट बरनला रोड उत्ते स्थित बडिंग ब्रेनर्स इंटरनेशनल स्कूल के नज़दीक एक वरना कार सवार ने मोटरसाइकिल नूं टक्कर मार दी, जिस दौरान मोटरसाइकिल सवार रायकोट वासी चाचे भतीजे की मौके पर मौत हो गई। पुलिस वालों इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। रोजाना चढ़ती कला के एडिटर दर्शन सिंह दर्शक के माता गुरदेव कौर जिन्हों का बीते दिन संखेप बीमारी उपरंत देहांत हो गया सी, उन्होंने निमित पाठ के भोग और अंतिम अरदास गुरद्वारा सिंह सभा विखे हुई, जिस दौरान वख वख समाजिक धार्मिक शख्सियतों वालों श्रद्धांजलियां दी गईं। इस दौरान वड्डी गिणती विच वख-वख धर्मां दे आगू शामिल होए। अंतिम अरदास उपरंत समूह संगत का धन्नवाद करदिआं अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि इहो जिहियां माता विरलियां ही हुंदियां ने जिन्हां दे कुखों जन्म लैके बच्चे एक वड्डी शख्सियत दे रूप विच सामणे आउंदे ने। सर्व सिक्ख्या मुहिम तहत मिड डे मील तहत काम करने वाले 1000 के करीब कर्मचारी सरकार तो खफा होकर रोस प्रदर्शन कर पहुंचे। इस मौके उन्होंने पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी की अपन मंगों की पूर्ति की मांग की। रायकोट नगर कौंसल के सफाई कर्मचारी ने तलवंडी गेट सामने पंजाब सरकार खिलाफ रोह भरपूर प्रदर्शन करदिया धरना दिता, जिसका अकाली बसपा गठजोड़ ने समर्थन करदिया धरने में शमूलियत की कैप्टन सरकार ने लम्मे हथी लिया। आगुओं ने कहा कि पंजाब सरकार वालों सफाई कर्मचारियों के संघर्ष को शांत करवाने लिए मुलाजमान को सिर्फ कागजों में ही पक्का किया गया, जो पंजाब सरकार की एक ड्रामेबाजी है। भगता भाईका च भी सफाई सेवकों की हड़ताल लगातार जारी, इसे तहत प्रदर्शनकारी ने रोस मुजहरा किया। उन्होंने सरकार उत्ते निशाने साधे अते कहा कि साडे हक सानू सही ढंग नाल दिते जाण अते कच्चे मुलाजमान नू पक्का किया जाए। अमृतसर जलंधर रोड उत्ते अल्फा वन दे नज़दीक दो गुटां झगड़ा होया, जिस दौरान कवरेज करन लई पहुंचे पत्रकार की भी कुटमार की गई। इस मौके मौजूद कुछ लोगों ने उसका कैमरा खोलिया अते फरार हो गए। पुलिस वल्लों इस मामले की जांच की जा रही है। सो फास्ट न्यूज़ विच अज लई इन्ना ही, तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद।